नमस्कार, मी रश्मी शंखनाथ न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उंची किती आणि तुमची उंची किती असा खणखणीत सवाल उद्धव ठाकरे यांना करून भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी इशारा दिलाय. मोदीजींच्या वादळाला ठाकरे घाबरले असून मोदीजींचे वादळ जेव्हा महाराष्ट्रात येईल तेव्हा उद्धव ठाकरे उडून जातील असं बावनकुळे म्हटल्यात. मोदीजींचा वारंवार एकेरी उल्लेख टाळायला हवा होता, पुन्हा पुन्हा जाणीवपूर्वक चुका करत आहे, कधी ना कधी स्फोट होईल. ते नागपूर येथे माध्यम प्रतिनिधींशी बोलले होते. बावनकुळे म्हणाले, सार्वजनिक ठिकाणी व्यक्तिगत टीका करून नेतृत्वाचा अपमान करू नये, ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. दुसऱ्यांना संस्कार शिकवता पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचं नेतृत्व 150 देशांनी मान्य केले. ठाकरे यांनी बोलताना तारतम्य बाळगावं. 2014 आणि 2019 ज्यांच्या भरवशावर तुम्ही तुमचे आमदार खासदार निवडून आणले आणि आज त्यांच्यावर एकेरी टीका करून बेईमानी करत आहात बावनकुळे यांनी म्हटलंय की देवेंद्रजींनी तुमच्यावर भावासारखं प्रेम केलं, एक वेळ भाजपचं काम केलं नाही मात्र उद्धवजींचं काम केलं, तुमच्या अवस्थेला तुम्ही जबाबदार आहात. एक वेळ अशी होती की मोदीजी देशातले सर्वोत्तम नेते कसे आहेत याबाबत मंचावरून उद्धव ठाकरे सांगत होते. उद्धव ठाकरे यांना पाकिस्तानी जनतेला प्रमाणपत्र मागावं लागतंय, यापेक्षा अधिक दुर्दैव कोणतं. ठाकरेंचा भारतीय लोकांवर विश्वास नाही. उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्व कसं सोडलं याचं प्रमाणपत्र देश आणि महाराष्ट्रानं दिलंय, त्यांना रोज लोक सोडून जात आहेत. उद्धव ठाकरे म्हणतात, पाकिस्तानी लोकांना माहीत आहे शिवसेना कुणाची, हा बाळासाहेब ठाकरे यांचा अपमान आहे असं बावनकुळे यांनी म्हटलंय. की पाकिस्तान अब शिवसेना, उद्धवजी की शिवसेना कैसी हिंदुत्ववादी है, ये सर्टिफिकेट देगा. अब मुझे ये समझता है इंडिया के और महाराष्ट्र के लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है. ये सर्टिफिकेट दे दिया उनको, उनके विधायकों ने सर्टिफिकेट दे दिया, उनके लोग रोज शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़ के जा रहे हैं कि ये हिंदुत्ववादी, जो हिंदू उदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व था वो छोड़ा है उद्धव जी ने, इसलिए रोज उनके कार्यकर्ता भाजपा में आ रहे हैं, शिवसेना में जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे के पास जा रहे हैं. परसों गावड़े नाम के उनके जिला प्रमुख पुना के मेरे भारतीय जनता पार्टी में आए, रोज छोड़ रहे हैं उनको लोग, तो भी वो कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व तो बराबर है. अब वो क्या बोलते हैं कि भारत ने तो सर्टिफिकेट दे दिया, हिंदुत्ववादी हम नहीं है, हिंदुत्ववादी उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व तो कैसा छोड़ा. अब वो पाकिस्तान से सर्टिफिकेट मांग रहे. और दूसरी बात जो आपने पूछी, वो कल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, ऐसा हाथ ऊपर कर करके बोल रहे थे कि देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, 26 के बच्चे ने आत्महत्या की है, नहीं होनी चाहिए आत्महत्या, कोई समर्थन नहीं करता है. लेकिन आपने कल ये क्यों नहीं सोचा कि 2.5 आप मुख्यमंत्री थे, 2.5 मुख्यमंत्री होने के बाद जब अपन पोस्ट पे रहते रहिए तब हमारी जवाबदारी खत्म नहीं होती है, हमारी संवेदना किसान के साथ है ना, किसान के साथ होती है. तो आपकी ये जवाबदारी नहीं थी. जलगांव में अगर आत्महत्या हुई है तो 50 के दिवाली जैसे आतिशबाजी आपने की, 50 के फटाके फोड़े आपने कल, और वो 50 वो परिवार को दे देते जिस परिवार में आत्महत्या हुई पार्टी की तरफ से. ये जवाबदारी आपकी नहीं है. आप कहते हैं कि जनता मर रही है, किसान आग में आंसू है, सरकार की जवाबदारी सरकार करेगी. सरकार ने तो इतना किया है कि पीक बीमा योजना में उद्धव जी आपने 1 रुपया भी लोगों को नहीं दिया, उल्टे 4,000 करोड़ रुपए कंपनी ने खा लिए, पीक कंपनी ने. आपने कंपनी को पैसा दिया है, आप माहिती अधिकार में निकालिए. उद्धव जी आपके कार्यकाल के 2.5 के पैसे देवेंद्र जी और एकनाथ जी ने किसानों को दिए हैं. तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार. क्या आप अपने घर में मच्छर, चूहे, कॉकरोच और कीड़ों की परेशानी से थक चुके हैं? तो आज ही अपने घर पर सेंट्रल पेस्ट कंट्रोल करवाएं. यह बहुत ही आसान और सरल पेस्ट कंट्रोल तकनीक आपको रोजाना होने वाले इन झंझटों से हमेशा के लिए मुक्त कर देगी. तो आज ही अपने घर और ऑफिस में सेंट्रल पेस्ट कंट्रोल करवाएं और हमेशा की तकलीफ से मुक्ति पाएं. संपर्क करें 9822972039, 9158100400. हमारा पता, पहला माला साई कृपा बिल्डिंग, सेंट्रल एक्साइज कॉलोनी, छत्रपति चौक, नागपुर.